नमस्कार, मैं आशा, न्यूज आप तक में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्वराज द्वीप और शरीक द्वीप में टूर ऑपरेटर और टूरिस्ट को बोट नहीं होने से हो रही परेशानियों के बारे में। शनिवार को डिप्यूटी कमिश्नर साउथ अंडमान श्री सुनील आंचीपाका से अंडमान निकोबार के कुछ टूर एसोसिएशन ने मुलाकात की। एसोसिएशन के मेंबर का कहना था कि शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप में प्राइवेट और गवर्नमेंट बोट नहीं चलने की वजह से उन्हें टूरिस्ट को ले जाने में परेशानियां हो रही है। टूर एसोसिएशन के मेंबर्स ने हमारे चैनल के माध्यम से कहा कि कांग्रेस पार्टी के कंपेन कमेटी के चेयरमैन श्री TSG भास्कर ने DC सर से इस विषय में बात की और DC सर ने उन सभी लोगों को आश्वासन दिया। आइए जानते हैं हमारे संवाददाता रोहित के साथ। नमस्कार, मैं हूँ रोहित। अब हम बात करेंगे टूरिज्म सेक्टर के बारे में, जो कि हमारे साथ यहाँ पर बहुत लोग मौजूद है जो कि अलग अलग टूरिज्म एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं। तो आइए, अब तो थोड़ी देर पहले उन्होंने DC सर के साथ कुछ मीटिंग की थी जो कि टूरिज्म सेक्टर को लेके। तो आइए, उन्होंने क्या बात की और क्या है, हम उन्हीं से जानते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम विवेक सिंह है, मैं अंडमान निकोबार टूरिज्म स्टेक होल्डर्स एसोसिएशन से हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ। हम लोगों ने अभी DC साहब से, हमारी तीन अभी मुख्य समस्याएं हैं, पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक, हैवलॉक से नील, नील से पोर्ट ब्लेयर, गेस्ट को जाने में बहुत असुविधा हो रही है क्योंकि प्राइवेट फेरीज ऑपरेट नहीं कर रही हैं और गवर्नमेंट फेरी का भी शॉर्टेज है। DC साहब ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि मंडे से एडिशनल फेरी डालेंगे जिससे काफ़ी सुविधा हो जाएगी। प्लस दूसरा इशू था, हम लोगों ने जेल में लाइट एंड साउंड टिकट में अभी भी 50% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहा है, उसके बारे में भी बात किया। DC साहब ने आश्वासन दिया वो जल्द से जल्द उसको भी हटाया जाएगा, फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट किया जाएगा। ये दो विषयों पे बात हुआ। हमारे साथ फोटो एंड एंटो एंड टान, तीन एसोसिएशन हमारे साथ एक साथ मिलके, हम लोगों ने चारों एसोसिएशन ने मिलके बात किया। भास्कर अन्ना भी थे हमारे साथ कांग्रेस के, ठीक है, और कैंपेनिंग कमेटी के जो चेयरमैन जो है, चेयरमैन जी। तो DC साहब ने बहुत अच्छा आश्वासन दिया, हम लोग उम्मीद करते हैं कि आश्वासन हम लोगों के उम्मीद मुताबिक फॉलो होगा और हम लोगों का सब मुसीबत दूर होगा। नमस्कार, मैं अंडमान निकोबार टूर ऑपरेटर एसोसिएशन से जनरल सेक्रेटरी सिम्पसन बोल रहे हैं। हमारे बाजू में प्रेसिडेंट सर भी है, हमारे काफ़ी मेम्बर्स भी है। हम लोग आज DC सर से मिले, DC सर बहुत पॉजिटिवली हम लोग का बात को सुना और तुरंत वो एक्शन में आए। जो प्राइवेट क्रूज़ का जो शॉर्टेज है, हम लोग अभी जो दिसंबर में काफ़ी सारा जो टूरिस्ट एकदम पीक टाइम में और अभी ये फेस्टिवल सीजन में भी, तो इसको रखते हुए बात को हम लोग रखें कि जो नील हैवलॉक सेक्टर, जो स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप जो बोला जाता है, उस सेक्टर में हम लोग का बोट का शॉर्टेज है। तो उनसे डिमांड किया तो उन्होंने बोला कि एक दो दिन में हम मंडे का बाद में हमारा इसका साथ में जो है आप लोग का स्ट्रीमलाइन कर देंगे, क्योंकि कुछ जो बोट तो उनके पास बहुत सारे है लेकिन उसको चलाने का जो जो स्टाफ्स का लेके कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से बात हो रहा है, तो SEI का साथ में कुछ एग्रीमेंट हो रहा है बोला, तो एग्रीमेंट एक दो दिन में फाइनल हो, मंडे का बाद आपको हम अश्योर कर रहे हैं कि आपको नील हैवलॉक सेक्टर जितना भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन में बोट चलाने का चलेंगे। और उसके बाद हम लाइट एंड साउंड के बारे में बात किए, अभी जैसा हाल ही में देखे सारे जगह में सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग्स सारे सेंटर 100% हो गया, तो हम लोग भी बोले अभी जो लाइट एंड साउंड का शो 200 डेली चल रहा है उसमें 50% ही है, तो काफ़ी दिक्कत हमारा टूर ऑपरेटर भाई लोग, ड्राइवर भाई लोग, जितने भी जो टूरिज्म से रिलेटेड भाई डेली जाके वहाँ पर थोड़ा तकलीफ को झेलना पड़ता है, टूरिस्ट को हम लोग समझाते ही रहते, तो वो बात को भी रख के बोले 100% तुरंत डायरेक्टर साहब से बात किए और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बोले। डायरेक्टर साहब भी शायद अश्योर किए हम लोग को कि मंडे से ये जो 100% कर देंगे, और हम लोग ये भी डिमांड रखे जो पुराना जो शेड्यूल था जो इंग्लिश शो का मंडे, वेनसडे, फ्राइडे, क्योंकि अभी बहुत सारा साउथ इंडियन टूरिस्ट भी आने लग गया, अभी दिसंबर और आपका पोंगल हॉलीडेज में साउथ इंडियन टूरिस्ट बहुत आएगा, तो ये बात को रखें। और बीचेस को भी, जितने भी जो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है सबको 100% करने का बात हुआ है और हम लोग उम्मीद है पॉजिटिवली बात को लिया। हम लोग जितने भी एसोसिएशन है जो हमारे साथ में, जो फोर्टो है, आटसा है और टैन है और हमारा जो ये सबको बात करते हुए हमारे साथ में हमारा जो कैंपेन कमेटी का चेयरमैन जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जी भास्कर जी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने अपना बात को टूरिज्म, क्योंकि वही टूरिज्म का बहुत बड़ा एक पिलर है, उन्होंने भी अपना बात को रखा है
और डीसी सर ने पूरा बात सुन के बहुत काम को जल्द से जल्द इसको मंडे का ये आने वाले मंडे में हम लोग को 2-3 दिन का टाइम दिया था, वो टाइम में फटाफट हम लोग कंप्लीट करके हम लोग एकदम पॉजिटिवली वहाँ से बाहर निकले हैं कि लोगों को मालूम होना चाहिए, हमारे टूर ऑपरेटर भाई लोग सबको मालूम होना चाहिए कि क्या हो रहा है, अभी इतना तकलीफ में हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम आने वाले टूरिस्ट को भी हम लोग बहुत बढ़िया से बेहतरीन सर्विस देने के लिए हम लोग उम्मीद रखते हुए ये हम काम को आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। हम आशा करते हैं आपकी समस्या जल्द से जल्द दूर हो। सर आपका नाम? मोहम्मद शब्बीर हुसैन, मैं टूरिज्म एसोसिएशन ऑफ अंडमान निकोबार का जो प्रेसिडेंट हूँ। आज जो है हमारा अंडमान का जो हालात है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने मतलब कुछ दिनों से हम लोग सोच रहे थे कि हम सब मिलकर जो है मतलब कुछ कड़ी कदम उठाकर कुछ कार्य करें, मगर बहुत सा ऐसा मतलब सभी को अपना काम धंधे के वजह से जो है मिल नहीं पाते थे, मगर एक अच्छा अवसर मिला कि सभी जो है हमारे जो चार हम लोग जो एसोसिएशन आज आपके सामने बात कर रहे हैं, तो इससे हमें एक मतलब एकता का भी मतलब बहुत अच्छा लगा कि हम सब एक साथ में हैं। और हमारा तो अंडमान टूरिज़्म फर्टिनिटी ही है और हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम है अंडमान में टूरिज़्म ही है, तो ऐसा बहुत सारा इशू है जिसके मतलब सॉल्यूशन हम लोग मतलब चाहते हैं, मगर अभी क्या है कि हमारा बहुत बड़ा एक इशू है हैवलॉक नील आइलैंड जो शिपिंग का है फेरी, जो हम लोगों को डेली इसका सामना करना पड़ता है। लोग तो बहुत आ रहे हैं मगर उसमें जाने वाले बहुत ही कम जा पा रहे हैं। सर जहाँ तक हमें इन्फॉर्मेशन है सर, मोस्टली यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर बोट जो है ऐसी खड़े हैं जो कि उन्हें नहीं चला रहे हैं, तो आपने इस विषय में बात की कुछ? बिल्कुल, हमने इस विषय पे बात की है, डीसी साहब ने हमें एश्योरेंस भी दिया है और हमारे डीसी साहब तो बहुत एक्टिव ही है क्योंकि उन्होंने बोला है कई मतलब रातों रातों को भी वो हमारे हमसे जुड़कर जो है हमारे बातों को सुनते हैं और उस पर काम करते हैं, तो हम डीसी साहब के बहुत ही शुक्रगुजार है कि उन्होंने अपना कीमती वक्त जो है हमें दिया है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम ये सब चीज़ का जो है बहुत जल्दी सॉर्ट आउट करेंगे। तो उन्होंने बोला है कि मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का भी कुछ कुछ प्रॉब्लम है मगर क्या है कि बहुत जल्दी जो है इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा और हम जो है नॉर्मल स्थिति पे मतलब आ जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमें इसी तरह का मतलब योगदान जो है एडमिनिस्ट्रेशन से मिलते रहे और हमारा अंडमान का टूरिज़्म और जो है मतलब बढ़ावा अंडमान के टूरिज़्म को मिलते रहे और लोग यहाँ के जो है जो अभी जो बैठे हुए हैं उनको रोज़गार मतलब प्राप्त होते रहे। तो उम्मीद करते हैं कि आज जैसा हमारा जो है एकता का जो मतलब हम लोग सबूत दिए, आगे भी हम इसी तरह मतलब कुछ कुछ प्रॉब्लम को लेके प्रशासन के पास जाएंगे और उम्मीद भी करते हैं कि प्रशासन हमारे बातों पर जो है गौर और फिक्र करेगा। बस इसी उम्मीद के साथ जो है मैं अपना वार्तालाप समाप्त करता हूँ, धन्यवाद। मेरा नाम भुवन है, मैं अंडमान निकोबार टूर ऑपरेटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। एक चीज़ हमें डीसी साहब ने एक बहुत अच्छा सलाह दिया है हमें, ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से हम लोग तो फुल सपोर्ट है, लेकिन कोई चीज़ को कमी जो है जब तक हमें नहीं बताएंगे तब तक तो हम आपको सहयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमें बहुत अच्छा लगा डीसी साहब का, जो हमें हमारा तकलीफ को बहुत अच्छे से सुनकर इस जवाब दिए थे। तो हम कोशिश करेंगे कि ज़रूर हम एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से कभी भी कोई भी चीज़ के लिए तुरंत जाके सर लोग से जो भी हमें चाहिए वो चीज़ के बारे में हम उनसे डिस्कस करके मांग पूरे कर लेंगे। और एक बात जो है, जितना भी यहाँ पे क्रूज़ वगैरह जो भी चल रहा है और गवर्नमेंट का जितना भी चल रहा है बोट वगैरह जो है, मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी ट्रैवल एजेंट है मोस्टली जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी दें गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को, ताकि गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हमें हमेशा सहयोग करके सपोर्ट करें। धन्यवाद, थैंक यू। तो इसी के साथ ही मैं रोहित अभी अपना शो समापन करते हैं, नमस्कार। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।